अपना एनिवर्सरी हो रही है सब सब आज तक हमने कभी अच्छे सेलिब्रेट किया है। हमने कहा कि रुद्र भाई आप जो है थोड़ा हमारे साथ चल लीजिए, साथ में एक आदमी जब आपको रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। थोड़ा सा अकेले पड़ गए हैं और फंक्शन थोड़ा बड़ा ठान लिए हैं। तो पूर्णिया से जी हम लोग आ गए यहाँ पर, पूजा और जिया जी अपना खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं उन लोगों का अपना खाना सब चल रहा है। मेरा और पूजा का स्किन पूरा खराब हो चुका है धूप की वजह से, सुंदर लग रहा है लेकिन। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत जो है कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं जी हाँ, क्योंकि मौका भी कुछ खास है। तो हम लोग आ रहे हैं जी पूजा जी के यहाँ से, पूजा जी के यहाँ से आकर के सीधा चल रहे हैं अपने घर। और अपने घर पहुँचने में जो है अभी लगभग हम लोग को 20 से 25 मिनट के करीब है। और हमारे पीछे है रुद्र और पूजा जी, तो उन लोगों को भी जो है साथ लेते आए हुए हैं। हम लोगों का जन्मदिन जो है, जन्मदिन नहीं, बार बार जन्मदिन का दिन ध्यान आ जाता है, जब से बेटा आया खाली जन्मदिन ही ध्यान रहता है। अपना एनिवर्सरी और ये सब आज तक हमने कभी अच्छे सेलिब्रेट किया है। कोई बात नहीं जी, तो इस बार जी एनिवर्सरी हम लोगों को धूमधाम से करना है सेलिब्रेट। और हमने कहा कि रुद्र भाई आप जो है थोड़ा हमारे साथ चल लीजिए, दो दिन पहले की ही बात है, कोई बात नहीं आप जो है थोड़ा पहले ही आ जाइए। तो थोड़ा नहीं कहते हैं साथ में एक आदमी जब आपको रहता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। भाई हमारा है बाहर, हमारे जो साली साहब सब रहते थे गोलू मोलू, वो भी मेडिकल इमरजेंसी में जो है वहाँ गए हुए हैं पटना, तो थोड़ा सा अकेले पड़ गए हैं और फंक्शन थोड़ा बड़ा ठान लिए हैं। तो रुद्र भाई को कहे और धन्यवाद रुद्र भाई का जो एग्री कर गए और अपना बहुमूल्य समय जो है हमें दे रहे हैं। तो पूर्णिया से जी हम लोग आ गए यहाँ पर, भाई साहब को भी जो है जमीन सब दिखाया अपना जहाँ पर लिया था अपना ड्रीम, लेकिन वहाँ पर जो है खुशी खुशी में जो है ना ब्लॉग शूट करना भूल गए थे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक और खिलौना होगा, लेकिन सबका किसी का चक्का टूटा है, किसी का कुछ टूटा है। शिवांश यहाँ देखो, शिवांश कहाँ गया, वो अंदर गया क्या? आ जाइए, देखो ये देखो। सबको यही हालत मिलेगा किसी का, ये आपको तो सबको दिखा दिए प्लॉट सब, लेकिन बस खाली रिकॉर्ड करना भूल गए, सोचे तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, आज तक हम नहीं डाले हैं वीडियो में। कोई नहीं, बात 6.5 hours later। तो अभी बज रहे हैं जी रात के 10:45, हमारा और रुद्र भाई का तो पेट पूजा सब हो गया है, और फिलहाल प्रियांश यहाँ बिजी है अपना मोबाइल में, और इसको इसी तरीके से बिजी रखा गया है क्योंकि पूजा और जिया जी अपना खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं उन लोगों का अपना खाना सब चल रहा है। तो क्या कर रहा था क्रियांश वहाँ पर, थोड़ा बहुत तो खा लिया जितना बहुत खाना था, और उसके बाद खाना फेंकने लगा सभी के शरीर पर, तो इसको यहाँ पर बैठा दिए ताकि सभी लोग जो है शांति से खाना सब खा लें। और यहाँ जो रूम है साथ में हमारे बेडरूम के साथ साथ सर्विलेंस रूम भी है, तो सामने देख सकते हैं सामने सारा निगरानी रहता है घर पे कि कौन आया कहाँ से। सर्विलेंस रूम है हमारा बेडरूम, सारा निगरानी होता है यहाँ से। The next day. तो जी सुबह के 8:20 और हम लोग चल रहे हैं सलून, क्योंकि कल से जो है थोड़ा सा भाग दौड़ बढ़ जाएगा तो उस समय समय भी नहीं मिलेगा, तो सोच रहे हैं कि अभी चल लिया जाए। अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, क्रियांश सो के उठा है, मम्मा नहीं, मम्मा सुबह उठ गई थी। और एक कॉल दे दो। तो हमारा खाना पीना बन चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और मेरा स्किन देख सकते हैं एनिवर्सरी के टाइम पे ही पूरा खराब हो गया है धूप की वजह से। गाड़ी से एसी से निकलते थे फिर एसी में घुसते थे इसकी वजह से। हाँ क्या बोलो। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है देख सकते हैं आलू और सोयाबीन की सब्जी, और इधर घेरा की सब्जी बना हुआ है दाल इसमें, और इसमें हमने बनाया करेले का भुजिया। इधर शिवान जो है क्या कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साफ करने वाली आई थी, गंदा करने वाली नहीं, साफ करने वाली आई थी, घर को साफ करने के लिए आई हुई थी। तो फिलहाल आए हुए हैं जी सलून, और यहाँ पर जो है लगभग लगता है आधा घंटा के करीब सब लगेगा, तो अभी डिटेनिंग के लिए यहाँ सब क्रीम लगाया गया है। और घर में जिया बोल रही है कि कहाँ चले गए, यहाँ पर बहुत सारा काम सब है, तो पहले ये सब निपट जाए। और वैसे आज जिया और पूजा उन सभी को, और रिया, इन सभी को भी आज पार्लर जाना है, तो सुबह का समय हम लोगों ने बुक किया और शाम के समय में वो लोग चलेंगे। और इधर माँ पूजा का काम कर रही है, आज माँ ही पूजा और रिया जो क्या की कर रही थी, तू बोल मोबाइल।
कब उठी सो के? कब हम तो कितने टाइम से उठे हुए हैं, तुम ही नहीं थी। हम नीचे खाना बना रहे थे। चलो ब्रश करने। चलो शिवू, शिवू क्या कर रहा है? कह रहा है हमको नीचे से कोई आई थी गंदा करने वाली, साफ सफाई करने के लिए जा रही थी। कह रहा है गंदा करने वाली आई थी, उल्टा है। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कौन सा लिप बाम लगाई है? कौन सा लिप बाम लगाई है? मेरा और पूजा का स्किन पूरा खराब हो चुका है धूप की वजह से। धूप और ये ठंडा, धूप ठंडा कार में ऐसी ऐसी करते करते। आप लोग उपाय बताइए क्या किया जा सकता है। पूरा स्किन लिप्स पे पूरा परत सा पड़ी है, स्किन भी ब्लैक ब्लैक सा हो गया। सोचे थे पार्लर जाएंगे ठीक कराएंगे, अब देखो मनो ने करा जाने। अजीब सा लग रहा है एकदम। लिप बाम कौन सा लगाई है? लिप बाम लगा था ना, बउआ का भी हो गया है। बउआ लड़की वाला चीज नहीं लगाएगा, नहीं जाऊंगा। लिप बाम लगा रहा, आधा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो स्किन पे उतना कुछ तो नहीं बुझा रहा, लेकिन लिप्स मेरा फूल गया है। कलर रेफरेंस के नहीं, नॉर्मल लगाएंगे, छोड़ने तो और गड़बड़ हो जाता। ए, लिप बाम ही है, नहीं होता है पिंक उतना। डर लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और हाँ तुम अपना ही यूज करो। पिंक 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 मजा आ रहा है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में। बहुत सारा भड़बड़ अभी टाइम अभी टाइम है एक दो दिन, लेकिन फिर एक ही दिन तो है। आज आज तो समझो कि आज का दिन कल, कल बड़ा है। कल कल का दिन सिर्फ कल का दिन है, नेक्स्ट डे तो है ही। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। ये सुंदर लग रहा है, लेकिन मुंह जल गया। लाइट आ रहा है ना फेस पे। फिल्टर तो नहीं लगा हुआ ना, इधर फिल्टर। हम फिल्टर लगा के वीडियो बनाते हैं, फिर भी इतना सुंदर लग रहा है। मैं नहीं लग रही, मेरा स्किन खराब हो गया। भले ही स्किन जल गया हो फिर भी सुंदर लग रहा है। मेरा नहीं लग रहा है, मेरा स्किन खराब हो गया। चलते हैं नीचे खाना बनाने, और जो बचा हुआ है तुम तब तक दोनों बच्चा को देखो ठीक। तो सलून में जी हमारा हो गया काम, चश्मा नहीं पहने हुए है तो इसलिए थोड़ा सा चेहरा जो है भकवाया हुआ लग रहा है। और रुद्र भाई कहीं गए हुए हैं, तो रुद्र भाई का भी काम हो गया है तो उनको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो सैलून से जी आ गए, और अब जो है बारी है यहाँ पर स्नान करने की। तो स्नान सब कर लेंगे और स्नान करके जो है खाना सब भी खा लेंगे, क्योंकि खाना सब तैयार है, खाना सब तैयार है। और बाकी एनिवर्सरी की बाकी तैयारी सब भी करनी है, क्योंकि गेस्ट सब आएंगे और लगभग उतने सारे गेस्ट का खाना बनाना संभव नहीं है, तो किसी रसोई भाई साहब को कर लेते हैं। लगभग है 30-40 आदमी तो रहेगा, 30 आदमी कम से कम रहेगा। हाँ कल यहाँ रहेगा, 30-40 आदमी का खाना तो रसोई आई। बस ऊपर में जी इतना स्पेस है, दो रूम है, नीचे भी खाली ही रूम है, तो है स्पेस। बस गद्दा से मंगा लेते हैं ताकि गेस्ट सबको किसी भी तरह का असुविधा नहीं हो, और साथ में जो है हॉल में भी सो सकते हैं बहुत लोग, तो ऐसा ऐसी बात है। और गद्दा सब भी मंगवा लेते हैं, पंखा सब मंगवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है।